अभी हम मौजूद हैं बेतिया के कचहरी रोड में, जहां पे कलेक्ट्रेट के सामने जहां पे धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। महारानी जानकी कुंवर का नाम चेंज हो रहा है, यानी कि GMCH रखा जा रहा है। यहां पे युवा जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा पूरा शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें युवा जागरण मंच के अध्यक्ष दीपेश सिंह जी हैं। यहाँ पे किस लिए धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? देखिए, ये धरना प्रदर्शन बेतिया हॉस्पिटल का जो नाम बदल करके GMCH किया गया, उसके विरोध में यहाँ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या लगता है, धरना प्रदर्शन करने से नाम चेंज नहीं होगा? देखिए, हमारा काम है सरकार तक खबर पहुँचाना। सरकार तक खबर पहुँचती है, सरकार इस पर अगर कोई पहल नहीं करती है तो आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार इस पर पहल नहीं करती है और महारानी के नाम से पुनः बेतिया हॉस्पिटल का नाम नहीं हो जाता है। क्या इनमें साजिश भी है लोगों की? बिल्कुल साजिश है, किसी न किसी साजिश के तहत इस हॉस्पिटल का नाम बदला गया। जिस हॉस्पिटल के नाम से, जिस महारानी के नाम से इस धरती की पहचान है, उन्हीं के नाम मिटाने की साजिश रची जा रही है। क्यों रची जा रही है, किससे रची जा रही है, इसका भी खुलासा होगा, लेकिन इसका खुलासा बाद में होगा। अभी हमारा मकसद है महारानी के नाम से हॉस्पिटल का नाम हो, मेडिकल कॉलेज का नाम हो, दूसरा कोई मकसद अभी मेरा नहीं है। क्या लगता है, ऐसे चलता रहे तो फिर MJ कॉलेज का नाम भी बदला जाएगा? सब जगह का नाम बदल जाएगा, जैसे सागर पोखरा का नाम बदल करके मदन जायसवाल स्मृति शेष पार्क कर दिया गया, ठीक उसी तरह से हॉस्पिटल का नाम बदल गया, GMCH कर दिया गया। आने वाले कल में किसी न किसी राजनेता का नाम उसके आगे जुट जाएगा। MJK कॉलेज का भी नाम बदल जाएगा, इस बेतिया शहर का भी नाम बदल जाएगा, चंपारण का भी नाम बदल जाएगा, अगर इसी तरह से साजिश होती रही तो। क्या नाम हुआ सर आपका? सुमित्रा। क्या लगता है आपको, GMCH रहेगा या महारानी जानकी कुंवर रहेगा? नहीं नहीं, GMCH तो रहेगा ही नहीं, जो नाम पहले था महारानी जानकी कुंवर वही नाम रहेगा। इसके लिए चाहे जो आंदोलन हो, जैसे भी हो, जो कीमत चुकानी पड़े चंपारण की जनता चुकाएगी। और सारे यूथ लोगों से अपील है कि इस मुद्दे पे बढ़ चढ़ के हमारा साथ दें, ऐसा हम होने नहीं देंगे। नेताओं का ये ख्याली पुलाव जो है, ये धारा का धारा ही रह जाएगा। कहाँ, किस हद तक लड़ सकते हैं? किस हद तक लड़ेंगे, हम पहले प्रशासन से नम्र निवेदन करेंगे, फिर हम अपनी मांग को आगे रखेंगे। अगर हमारी मांग को नहीं मानी जाती है तो चक्का जाम करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे। जी, क्या साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है? बिल्कुल साजिश ही है, साजिश नहीं है तो क्या है। अपने माता पिता के नाम से किसी भी सार्वजनिक जगह का नाम रख लेना, बेतिया के महारानी के वजूद को मिटाने की कोशिश करना, उनकी, हम सब लोग उनके ऋणी हैं ना, वो हमारी राजमाता हैं, और उनके नाम को हटा के अपने पिताजी के नाम से रख लेना, ये कहाँ तक जायज है? ये साजिश नहीं तो आप बताइए क्या है। कभी यहाँ की डिप्टी CM होम टाउन है बेतिया, डिप्टी CM का, और सांसद है संजय जायसवाल जी, उनसे कभी आप लोग कहें? उनको सारी मुद्दाओं से वो अवगत हैं, वो दोनों लोग, ऐसा नहीं है कि वो लोग अवगत नहीं है, वो तमाम लोग अवगत हैं, उनकी मिली भगत से ही ऐसा हुआ है। अगर वो चाहते तो नहीं होता ऐसा, लेकिन उनके मिली भगत से है और वो लोग ऊपर बैठे हुए हैं, डिप्टी CM है, काफ़ी पावरफुल पोस्ट है, तो वो तो जो चाहेंगे वो होगा। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं उन दोनों को कि जनप्रतिनिधि हैं वो लोग हमसे हैं, हम उनसे नहीं हैं। यहाँ की जनता जो है हमेशा से आंदोलन के लिए जानी जाती है, चंपारण की जनता, और एक बात अगर जग गए ना चंपारण के लोग, फिर वैसे जनप्रतिनिधियों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। जी, और भी काफ़ी सारे लोग हैं, क्या नाम है आपका? प्रियांशु दुबे नाम हुआ। किस लिए यहाँ पे आए? यहाँ पे हम लोग आए हैं युवा जागरण मंच के तहत, बड़े भाई हैं दीपेश भैया जो युवा जागरण मंच के अध्यक्ष हैं, हम लोग इसी बात को लेके यहाँ पे धरना प्रदर्शन आज किए हैं कि हमारी जो महारानी राजमाता का जो अस्तित्व है उसको मिटाने का काम किया जा रहा है यहाँ चंद राजनेताओं के द्वारा, तो उसको हम लोग होने नहीं देंगे। बड़े भाई सुमित राय भैया हैं और हम लोग जहाँ तक होगा वहाँ तक प्रयास करेंगे। और प्रयास क्या, जो भी राजनीति दल के नेता इस काम को किए हैं तो उनको पुनः वापस बदलना पड़ेगा और हम लोग का जीत होगा। देख सकते हैं और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि धरना प्रदर्शन पे यहाँ पे आए हुए हैं और शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ पे धरना प्रदर्शन हो रहा है ताकि जो महारानी जानकी कुंवर MJK हॉस्पिटल है उसका नाम चेंज नहीं हो। क्या नाम है? रामजी कुमार। किस लिए यहाँ पे बैठे हैं और क्या लगता है आपको, बच जाएगा बेतिया हॉस्पिटल? बच जाएगा, एकदम बचेगा, हाँ एकदम बचेगा। हम लोग नहीं बचता है तो हम लोग रोड पे आएंगे, रोड पे, हाँ आंदोलन करेंगे महारानी जानकी कुंवर का नाम से। जेल भी हो सकता है आपको, जेल में भी डाला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग
हम लोग हॉस्पिटल के लिए जो करना पड़ेगा करेंगे। महारानी जानकी कुंवर का नाम से था, नाम से ही रहेगा। बस देख सकते हैं और भी सारे लोग हैं। क्या नाम हुआ सर? पवन गिरी। क्या लगता है कि साजिश नाकाम होगी या फिर चेंज हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल नाकाम होगी। हम लोग सभी लोग उसी चीज़ के लिए युवा जागरण मंच और के तहत हम सब लोग बैठे हुए हैं और इस कार्य के लिए हम लोग शुरुआत कर चुके हैं और जब भी रहेगा तो महारानी जानकी के ही नाम से रहेगा। चाहे उसके लिए किसी भी हद तक जाना होगा हम लोग जाएंगे और चंपारण के सभी जनता से हम लोगों का अनुरोध है कि वो लोग भी इस जुड़े मुहिम में और हम लोगों का साथ दें और नेताओं की जो है जो ये सब गलत काम कर रहे हैं वो लोग उनका ये चलेगा नहीं, हम लोग चलने नहीं देंगे। संजय जायसवाल जी से क्या कहना चाहते हैं? बेतिया के सांसद हैं वो। संजय जायसवाल जी से हम कहना यही चाहेंगे कि अगर उनको बहुत ज़्यादा अपने पिता के स्मृति में कुछ बनवाना है तो कुछ अपना अलग से ज़मीन खरीद लें और उस पर बनवाएं, उस पर अपने पिता का, माता का, दादा का, जिसका नाम रखना है रखें। अगर वो महारानी के ज़मीन पे कुछ बना हुआ है और उसको अपने पिताजी के नाम से स्मृति शेष और क्या क्या सागर पोखरा का जो किए हुए हैं वो कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। सागर पोखरा नाम चेंज हो रहा था तो बहुत सारे लोग आवाज़ उठाए थे लेकिन आवाज़ों को दबा दिया गया और नाम चेंज हो गया। दबा दिया इस पे, इसको भी दबा सकते? अरे तो वो लोग सत्ता में है तो ये सब किए वो, लेकिन तो महारानी का नाम चेंज हो सकता है? नहीं तो चेंज नहीं हो, इसी के लिए तो हम लोगों ने मुहिम उठाया है ये और हम लोग होने नहीं देंगे चाहे किसी भी कीमत। आप भी दब जाए? नहीं 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 भैया, दबने वाला सीन कहाँ है? दबने वाला सीन नहीं है। देख सकते हैं संजू गिरी जी हैं, क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार। हम सबका एक नारा है कि महारानी जानकी कुंवर अमर थी, अमर है और अमर रहेगी। धन्यवाद। देख सकते हैं ये युवा जागरण मंच के कार्यकर्ता द्वारा पूरा प्रदर्शन किया जा रहा था। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।